हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम बैक टू योर कंप्यूटर क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन पहले देखे हम लोग स्टडी करते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही आवश्यक अंग होता है, पार्ट होता है। ठीक है, और द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू मेक कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी कि जो प्राथमिक उद्देश्य होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो ये होता है कि कंप्यूटर सिस्टम को हर एक चीज़ के लिए कन्वीनियंट यानी कि यूज़ के लायक बनाए, एंड यूज़ एंड यूटिलाइज़। ठीक है, यूटिलाइज़ करना, यूटिलाइज़ कंप्यूटर हार्डवेयर को यूटिलाइज़ करना यानी कि उसे लाभ पहुंचाना इन एन इफ़िशियंट मैनर। और ये कैसे वो करता है, एक इफ़िशियंट मैनर में। इफ़िशियंट मैनर क्या होता है, बहुत ही उपयुक्त तरीके से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, उसकी डेफिनेशन ये निकल के आ रही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। प्लस इसका उद्देश्य क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम में जो हार्डवेयर है उसे लाभ पहुंचाना, उसकी हेल्प करना वर्क करने में। ठीक है, और यूज़र और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसके बीच में एक कड़ी का काम करना। ठीक है, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक कड़ी के रूप में, यानी कि इंटरफेस के रूप में भूमिका निभाता है, ताकि दोनों का इंटरफेस या इंटरेक्शन बना रहे। ठीक है, तो एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ अ सॉफ्टवेयर। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा कलेक्शन होता है सॉफ्टवेयर का, विच मैनेजेस, जो कि व्यवस्थित करता है द रिसोर्सेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के स्रोतों को, उनके साथ कंप्यूटर सिस्टम के साधनों को, सच एज मेमोरी प्रोसेसर हो गया, फाइल सिस्टम हो गया। ठीक है, जैसे कि फाइल सिस्टम एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये मेमोरी प्रोसेसर क्या होता है, सीपीयू में जो प्रोसेसर लगा होता है प्रोसेस करने के लिए, फाइल सिस्टम जो फाइल्स को व्यवस्थित करता है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारी जो इनपुट जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ये सेट ऑफ कलेक्शन होता है सॉफ्टवेयर का। ठीक है, सबसे पहले हमारे कंप्यूटर में जो डाउनलोड इंस्टॉल किया जाता है, अपलोड किया जाता है, वो सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे कि विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसका सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, लाइनक्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका सॉफ्टवेयर होता है। तो ये जो कंप्यूटर पे सबसे पहले आपका सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्टॉल किया जाता है, अपलोड किया जाता है, ताकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम ठीक से वर्क कर सके। तो वो हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है, उसी सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ में आ गया होगा। इसको हम इस फिगर से भी समझ सकते हैं, जैसे कि यूज़र वन, यूज़र टू, यानी कि एक यूज़र, दो यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर सकते हैं। एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, एप्लीकेशन सिस्टम होता है, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, और ये हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है, और यहाँ से सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने में हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा फिगर। आई होप कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।